नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शीतल शर्मा। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवी मुंबई में आयोजित मुंबई कौथिक सीजन 15 में प्रतिभाग कर कौथिक का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाएं न केवल अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर रही हैं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अहम भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौथिक में भारी संख्या में आए दर्शकों और श्रोताओं को देखकर इस कार्यक्रम की सफलता का पता चलता है, जिसका श्रेय देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन की पूरी टीम को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो इस बात का विशेष रूप से जिक्र करते हैं कि 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के कहे अनुसार उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, जिसके लिए 2,500 करोड़ के MOU का हमने लक्ष्य तय किया था, लेकिन हमने इससे कहीं ज्यादा 3.5 लाख करोड़ के न केवल MOU किए बल्कि अब तक लगभग 46,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में अब 4% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। सरकार इसके लिए जल्द ही विधानसभा में विधेयक पारित कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। धामी कैबिनेट ने राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% खेल कोटा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कैबिनेट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के द्वारा खुलेंगे और युवाओं में खेलों के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। तो आज में लगता है कि उत्तराखंड में खेल नीति के बनने के बाद से जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं उसमें एक आउट ऑफ 10 जॉब का होना है और दूसरा जो है आज 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन हमारे खिलाड़ियों के लिए हो जाना अपने आप में इतिहास रचना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, सबको उनके कैबिनेट का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने आज प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से हमारे खिलाड़ी भविष्य में प्रदेश में ही सेवा करते हुए प्रदेश का नेतृत्व करते हुए बच्चों को तैयार करने का काम करेंगे वह इस 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन से और आउट ऑफ 10 जो जॉब है उसके हो जाने से मुझे लगता है कि और मजबूत हुआ है। निश्चित रूप से आज हर चाहे वो बालिका खिलाड़ी हो बालक खिलाड़ी हो उसके हृदय में निश्चित रूप से आज सरकार के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक आशीर्वाद और एक अभिवादन जो है आज निश्चित रूप से जन्म लिया है और मैं समझती हूँ कि एक ऐतिहासिक निर्णय आज कैबिनेट के माध्यम से। उत्तराखंड में 26 जनवरी की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं राजधानी देहरादून में इस बार 26 जनवरी के मौके पर 9 विभागों की झांकियां शामिल की जा रही हैं, जिसमें ग्राम्य विकास, पर्यटन विभाग, उद्यान विभाग सहित 6 विभागों को शामिल किया गया है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड संकल्प यात्रा की झांकी सूचना विभाग द्वारा शामिल की गई है। जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि अभी तक 9 विभागों की सूची मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भी बहुत खूबसूरत झांकियां 26 जनवरी के दिन देखने को मिलेंगी। तो जो है अभी तक हमारे पास 9 विभागों की सूची आई है जिनके द्वारा जो है झांकियां बनाई जा रही हैं, जिसमें हमारा ग्राम्य विकास विभाग है, पर्यटन विभाग है, उद्यान विभाग है। तो सभी विभाग जो हैं अपने अपने जो है झांकियों के तैयार कर रही हैं। उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड को लेकर के भी सूचना विभाग की झांकी और ग्राम्य विकास विभाग की झांकी के द्वारा थीम पर बनाई जा रही है। और झांकियां जैसे हर बार होती हैं उसी की तरह आपकी बार भी अत्यंत आकर्षक होंगी और अच्छी थीम पे बेस्ड होंगी। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन पर भाजपा के दबाव में अनुमति न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आगामी 28 जनवरी 2024 को देहरादून में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की अनुमति जिला प्रशासन से मांगी गई थी, जिसे प्रशासन ने सरकार के दबाव में देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रस्तावित कार्यक्रम देहरादून का,
जिसमें वो उत्तराखंड के सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। उसके लिए राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड की परमिशन हमने जिला प्रशासन से मांगी थी, जिला प्रशासन ने सरकार पे छोड़ दिया। सरकार से बात कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम दिल्ली से पूछेंगे, यानी कि देहरादून में अगर कार्यक्रम कराना है तो दिल्ली से परमिशन आएगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई इतना बड़ा नेता आ रहा है तो उसकी परमिशन देने का काम जिला प्रशासन का है। लेकिन जिला प्रशासन राजनीतिक दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम न हो, इसके लिए वो पूरी ताकत लगाए हुए हम कार्यक्रम करेंगे। हमें सड़क में बैठ करके भी अगर कार्यक्रम करवाना पड़ेगा खड़गे जी का, तो हम कार्यक्रम करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब देवभूमि उत्तराखंड से भी लोग दर्शनों के लिए भारी संख्या में अयोध्या जा रहे हैं। बीजेपी ने इस कड़ी में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से 6,000 से अधिक लोगों को अयोध्या ले जाने का प्लान तैयार किया। 80% तक वोटों का परसेंटेज बढ़ा है। इसके पीछे अगर सब किसी कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो आप जैसे नौजवान युवा मताधिकार करने वाले मतदाता है। साथियों, कुछ वर्षों पहले हम देखते थे कि चुनाव आयोग सिर्फ एक रेगुलेटर के रूप में काम करता था, यानी कि एक प्रक्रिया है, औपचारिक रूप से मतदान आएगा, मतदान चला जाएगा, इतिश्री कर ली जाएगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो हमारा चुनाव आयोग है उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज हमारा चुनाव आयोग महज एक रेगुलेटर की तरह काम नहीं कर रहा है, एक प्रकार से फैसिलिटेटर बन गया है और वोटर फ्रेंडली बन गया है। उसकी सारी सोच, सारी जो उसकी योजनाएं हैं, अगर उसके केंद्र बिंदु पर कोई है तो हमारा मतदान केंद्र में रहता है। मतदान केंद्र में सारी उसको सेंट्रल मान के, उसको केंद्रित मान के उसको काम किया जाता है कि कैसे अधिकाधिक मतदान हो, कैसे लोगों को मतदान केंद्रों तक लाया जाए, कैसे उनमें जागरूकता लाई जाए, कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। साथियों, मतदान के लिए केवल चुनाव आयोग काम करता रहे, इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। इसमें हम सबको भी अपनी भूमिका निश्चित रूप से सम्मिलित करनी होगी। हमें आपको और हमारे युवाओं को स्कूल में, कॉलेज में, महाविद्यालयों में, संस्थानों में, मोहल्लों में जन जागरूकता अभियान चलाकर मतदान का जो माहौल है वो मतदान का माहौल बनाए रखना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, केवल हम ये सब छोड़ दें कि प्रशासन के लोग करेंगे, चुनाव आयोग के लोग करेंगे, क्योंकि एक देश के लिए जो मतदान होता है, देश के लिए हमारी भी क्या भूमिका है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहां से बोलने आया हूं, आप सबके बीच में अभी हमारे सब नेतागणों ने अपनी बात रखी, केवल इनका भी प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन हमारा सबका है। और इस प्रश्न का उत्तर कोई देने वाला नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर हम सबको मिलकर खोजना है। और हम सब लोग मिलकर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो निश्चित रूप से हमको इसका उत्तर भी मिलेगा। अब ये कई बार मैं देखता हूं कि हमारे युवा कहते हैं कि हम कोई राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, क्योंकि जीवन के अब हर मोड़ पर मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको राजनीति मिलती है। हर मोड़ पर आपको ऐसा समाज मिलता है जो राजनीति के कारण से आगे बढ़ता है। फर्क यह है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो राजनीति है उसकी परिभाषा बदल दी है। पहले के वर्षों में राजनीति माने केवल, पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा परेड ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं तिरंगे में लहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो टेंट लगाए गए हैं या फिर बैठने की जो व्यवस्था की गई है वहाँ पर भी आपको तिरंगा ही नजर आएगा। और इसके साथ ही जो सभी लोगों को निमंत्रण भेजे गए हैं, खासकर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। उसके साथ ही कई ऐसी जो झांकियाँ हैं वो भी यहाँ पर निकाली जाएंगी। और देखिएगा कि जो तैयारियाँ हैं वो अभी से ही
ही पूरी की जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो डांस यानी कि जो झांकियां एक तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति को बिखेरने का काम यहां पर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो कलाकार हैं वो यहां पर पूरी तैयारियों में इस समय जुटे हुए हैं और पूरी तैयारियां अपनी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके माध्यम से जो डांस है, संस्कृति है उत्तराखंड की, वो दिखाने की कोशिश यहाँ से की जाएगी। और वहीं हम कोशिश करेंगे जो मुख्य विकास अधिकारी है उनकी देखरेख में पूरा कार्यक्रम की जो तैयारियां है उनकी देखरेख में की जाएंगी। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां इस बार उन्होंने रखी हैं। तो आपको ले चलते हैं सीधे अब हम मुख्य विकास अधिकारी के पास और उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां इस बार गणतंत्र दिवस की रखी गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मुख्य विकास अधिकारी, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां इस समय परेड ग्राउंड में चल रही है। मैम, गणतंत्र दिवस नज़दीक आ चुका है, मात्र 2 दिन बचे हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी तैयारियां अभी पूरी कर ली गई हैं? देखिए, गणतंत्र दिवस की लगभग सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और अभी यहाँ पे संस्कृति विभाग के द्वारा जो है रिहर्सल किया जा रहा है। और उस दिन जो हमारा मिनट टू मिनट प्रोग्राम है उसके अनुसार जो है इसमें 9 विभागों की झांकियाँ निकाली जाएंगी, जिसमें हमारे विभिन्न विभाग हैं, जिसमें ग्राम्य विकास विभाग है, बाल विकास विभाग है, पर्यटन विभाग है। तो बहुत अच्छी झांकियां बन रही हैं, उनका भी रिहर्सल किया जा रहा है और साथ में विभिन्न सांस्कृतिक दलों के द्वारा भी कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से, जिसमें हमारे कुमाऊं क्षेत्र के भी सांस्कृतिक दल हैं, गढ़वाल क्षेत्र के भी हैं, जौनसार क्षेत्र के भी हैं, कुल 5 सांस्कृतिक दलों के द्वारा जो है अभी तक कार्यक्रम कराया जाना प्रस्तावित है। मैम, यदि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए? देखिए, इसमें पुलिस विभाग पूरा मुस्तैद है, पुलिस विभाग मुस्तैदी से कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं इसका। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की दृष्टि से ही पुलिस विभाग भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है और मैं देखिएगा कि जो तैयारियां हैं वो पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं, क्योंकि जो 9 विभागों की झांकियां यहां पर निकलनी है, तमाम तरह के विभाग उसमें शामिल हैं, वो झांकियों की तैयारियां भी यहाँ पर पूरी की जा रही हैं और उनका रिहर्सल भी यहाँ पर चल रहा है और जल्द ही ये तैयारियाँ पूरी कर ली जाएंगी। तो आपको दिखाएंगे कि 26 तारीख को यानी गणतंत्र दिवस के दिन जो पूरा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा वो किस तरीके से भव्य होगा और संस्कृति विभाग की तरफ से भी यहाँ पर झांकियां बनाई गई हैं। वहीं परेड ग्राउंड निरीक्षण पर पहुंची हैं जिलाधिकारी सोनिका जी, उनसे ही बात करेंगे किस तरह की तैयारियां इस समय यहाँ पर चल रही हैं। मैम जिस तरीके से देखा जाए जो गणतंत्र दिवस की तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं, तो क्या कुछ तैयारियां इस समय की जा रही हैं? जिस तरह से हम हर साल यहाँ पे समारोह करते हैं गणतंत्र दिवस का, उसी तरह से मिनट टू मिनट प्रोग्राम हमारा जारी होता है और परेड होती है यहाँ पे, झांकियाँ होती हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे अभी तैयारियाँ चल रही हैं और हम लोग एक भव्य आयोजन करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से परेड ग्राउंड के अंदर जो तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस की वो जोरों शोरों पर चल रही है और आपने मुख्य विकास अधिकारी को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से पूरी तैयारियां की जा रही हैं और पुलिस प्रशासन को सुरक्षा की दृष्टि से भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कर्मियों की जो कहा जाए कि जो सिपाही लगाए जाएंगे वो भी यहाँ पर सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाएंगे। और देखिएगा कि जो इस बार इस जो गौरव का पल है एक वो ये भी है कि जो उत्तराखंड की झांकी है वो दिल्ली में जंतर मंतर पर भी निकाली जाएगी, यानी कि वो शामिल की जाएगी, तो एक गौरव का पल ये भी बनता है। और उसके साथ ही आप देखिएगा कि जो कलाकार हैं वो लगातार यहाँ पर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और अब देखने वाली बात होगी कि गणतंत्र दिवस के दिन किस तरीके से वो सभी लोग अपनी जो संस्कृति है उसको बिखेरते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता के नेतृत्व में रुड़की में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 28 जनवरी को देहरादून में अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होने वाले विराट सम्मेलन में भाग लेने का आह्वान किया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने कहा कि 28 जनवरी को देहरादून के विराट सम्मेलन में बीजेपी बौखला गई है और उन्हें परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है, जिससे बीजेपी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर देश के संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को सपोर्ट करना जरूरी है। ये
विराट कार्यकर्ता सम्मेलन है क्योंकि उसमें खड़गे जी ने उम्मीद जताई कि हम हर बूथ से कुछ लोगों को लेके आए, मंडलम के हमारे सदस्य उसमें रहेंगे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथी रहेंगे, जिला कांग्रेस कमेटी से लेके पीसीसी तक के सारे लोग रहेंगे। क्योंकि देखिए व्यक्तित्व का फर्क है, एक किसान का दलित परिवार का बच्चा जो बूथ कमेटी का मेंबर रहा हो और 1969 में जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हो, वहाँ से काम करते करते मेहनत करते करते राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं, वो कार्यकर्ता की दिक्कतों को उनके चैलेंजेस को समझते हैं और इसीलिए आप देख रहे हो खासा उत्साह है लोगों में। जाएँ क्या बोलते हैं, आखिर क्या कहेंगे, और जिस तरीके से वो सदन में घेरते हैं अमित शाह को और मोदी जी को, वो भी देखें, मतलब इस उम्र में जिस तरीके से वो दहाड़ते हैं उसको देखने के लोग उत्साहित हैं। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा विराट, उसका नाम ही हमने विराट रखा है, आप देखेगा उस दिन देहरादून में एक अलग मामला होगा। इसीलिए बीजेपी की सरकार और प्रशासन ने हमको परेड ग्राउंड देने से मना कर दिया। मतलब ये लोकतंत्र में नई चीज़ें देख रहा हूँ, विपक्ष के लोग यात्रा करें उनकी यात्रा रोक दो, उन पर FIR कर दो, उनके ऊपर पथराव करा दो, मंदिर नहीं जाने दो, उनका राष्ट्रीय मतलब आपसी एक प्यार मोहब्बत भी होती थी, इलेक्शन राजनीति अपनी जगह होती थी। राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए अमेरिका भेजा, इस तरीके की राजनीति होती थी। आपने सुना होगा, पढ़ा भी, आप तो पत्रकार हैं, कि नेहरू जी ने विपक्ष के भी कुछ लोगों को सदन में जानबूझ के लाते थे कि विपक्ष की आवाज़ भी होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा हो गया जैसे लड़ाई हो रही खेतों की। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए परेड ग्राउंड देने से सरकार और मंत्री और DM ने मना कर दिया, मैं उसकी घोर निंदा कर रहा हूँ। अफसोस है कि इतनी घबराहट बीजेपी में है कि कहीं कांग्रेस का कोई अध्यक्ष आएगा पता नहीं फिजा बदल जाएगी। तो ये एक नया ट्रेंड सेट हुआ है राजनीति में। देखिए सर, इस बार हमारा थोड़ा फर्क आपको दिखेगा क्योंकि हमारी बूथ कमेटियां बन गई हैं और हमने आपने देखा होगा विधानसभा के प्रभारी बनाए थे, उन्होंने उनका सत्यापन कर लिया है। इस समय हम मंडलमों के सत्यापन में हैं और 95% मंडलमों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, जिसको मेरे को बताने में खुशी हो रही है। और हम उसी तरीके से आगे, हमने इसीलिए अपना जो प्रदेश स्तर का संगठन है उसको भी डिक्लेयर नहीं किया है हम, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने के बाद जिसने जो जिम्मेदारी निभाई है उसी के बाद उसको डिक्लेयर करेंगे। और मैं उत्साहित हूँ इस बार के आपको लोकसभा चुनाव में नीचे के लेवल में जो काम होता था वो दिखाई देगा। कांग्रेस पहले लीडर बेस्ड पार्टी होती थी, किसी एक लीडर के नाम से हम लोग चुनाव लड़ते थे, इस बार आपको संगठन चुनाव लड़ते हुए दिखाई देगा। देश के लोगों से परिवर्तन का आह्वान करने के लिए, संसदीय लोकतंत्र को बचाने की प्रार्थना करने के लिए, गांधी नेहरू अम्बेडकर की लीगेसी, भारत के संविधान और सामाजिक न्याय और आरक्षण को बचाने के लिए की प्रार्थना करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अपने आप में गांधी नेहरू अंबेडकर की लीगेसी के प्रतीक पुरुष हैं, वो पधार रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता उमड़ घुमड़ करके बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचेंगे, इसका मुझे भरोसा है। और हर आज रुड़की के कार्यकर्ताओं का जोश देख करके संख्या में हरिद्वार से हमारे कार्यकर्ता देहरादून पहुँचे रुड़की और लोटस होटल के अंदर। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही अच्छा रहा हमारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और तमाम हमारे चारों विधायक जो हैं उनका आगमन हुआ। उनकी सारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने कांग्रेस के बात सुनी और आह्वान किया गया कि 28 जनवरी को देहरादून के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं, सब उसमें भागीदारी अपनी पूरी करें, सब आएँ और इस सम्मेलन को बड़े सम्मेलन में तब्दील करें। और उनकी जो वो 2024 लोकसभा की तैयारी के बारे में हमें बताने आ रहे हैं उनको ध्यान से सुने और आने वाले समय में 2024 की तैयारी करके लोकसभा की और उसमें कांग्रेस को जिताने का काम करें। देखिए आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, ये बड़ा सौभाग्य की बात है, आज वो 19 साल की हुई है और उसमें जो है प्रदेश के तमाम जो बड़े हमारे लीडर्स हैं उनके साथ साथ रुड़की के तमाम लोगों का आशीर्वाद आज उसे प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्यशाली।